भाई श्रेणु पारेख अब जल्द ही रियल लाइफ में सात फेरे लेने जा रही है। और जाहिर सी बात है कि सुपर एक्साइटेड है अपनी इस नई पारी के लिए और जीवन में इस नए पड़ाव के लिए। और तैयारियां पता है ना कितनी करनी पड़ती हैं शादी से पहले। तो चलिए आज ये निकली हैं ज्वेलरी शॉपिंग करने, तो हमने सोचा हम भी इनके साथ इनका साथ दे देते हैं। इट इज ऑलवेज बेटर ना जब आप साथ में मिलकर शॉपिंग करते हैं। गाइज, बहुत समय बाद मैं सास बहू और साजिश पे आई हूँ। और जी हाँ, आप सबने सही सुना है, मेरी शादी हो रही है। और शादी की शॉपिंग सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? ज्वेलरी। तो आज मैं आई हूँ फ्लारिश बाई गुंजन जैन ज्वेलरी खरीदने के लिए। एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इतने ऑप्शंस देख के मैं ऑलरेडी कन्फ्यूज हूँ। तो मेरी मदद कौन करेगा? आप लोग मुझे बताइएगा कि सबसे ज्यादा सुंदर वाला नेकलेस कौन सा है। तो चले लगा कि मैं ऐसे तैयार हो जाऊंगी। मैं तो इतनी बार, मेरी 17 बार शादी हो चुकी है टीवी में, हर तरीके के कल्चर में। तो आई थॉट इट वुड बी वेरी इजी, बट एक्चुअली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और मुझे जेन्युइनली समझ नहीं आ रहा अभी जब मैं नज़र मार रही थी पूरे स्टोर में कि मैं अपने आउटफिट्स के साथ मैच होता हुआ क्या लूँ, बिकॉज देर आर डायमंड्स, देर आर जड़ाव, ट्रेडिशनल एक तरफ है, दूसरी तरफ एलिगेंस और डायमंड्स हैं। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, इसलिए मैंने मेरे फेवरेट दो अभी फ़िलहाल निकाले हैं। एक है प्योर ट्रेडिशनल जड़ाव सेट और दूसरा है प्योर डायमंड्स वाला। एंड मेरे आउटफिट से फ़िलहाल मैच होता हुआ क्योंकि मैं ऐसा कुछ पहनने वाली हूँ अपने फंक्शन में। सो आई एम गोना ट्राई दिस सफायर वन एंड ये जड़ाव। सो लेट्स गो एंड सी विच वन लुक्स नाइस। यहाँ फ्लरिश में आके मुझे एक रियलाइजेशन हो गया है कि मैं एज अ ब्राइड क्या चाहती हूँ अपने बिग डे के लिए। सो यस, बहुत ही डेलिकेट सी, जैसा मेरा चॉइस है, जैसी मेरा टेस्ट है, उस हिसाब से मैंने अपने आप को आज ड्रेसअप किया है। बट यस, प्रिटी मच क्लोज टू दिस लुक ओनली यू विल गेट ऑन माई वेडिंग डे। बट फिलहाल मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है। अभी बस मम्मी पापा और अक्षय की हाँ करने की देर है। सो मोस्टली हमने काफ़ी सारी शॉपिंग एक साथ ही करी है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसका हाँ कहना, उसकी पसंद मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके लिए भी द सेम थिंग। इसीलिए हम साथ में गए ताकि आगे चल के ना, अरे यार ये क्या पहन लिया था तूने। सो यस, जो कुछ भी हमने खरीदा है, जो पहनने वाले हैं, वो एक दूसरे की पसंद और हाँ के बाद ही हुआ है।
ऑफिशियली सभी को पता है दैट वेडिंग इज गोइंग टू हैपन इन बड़ौदा. सो येस इट विल बी फन. गुजरात मीट्स महाराष्ट्र होने वाला है, तो बहुत मज़े आने वाले हैं एंड होपफुली सब बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे. घर में हमारे कभी भी रोना शुरू हो जाता है, कभी भी करण जौहर का म्यूज़िक बजने लग जाता है, बिकॉज नो मैटर वॉट स्टिल वो शादी वाली फीलिंग जब आने लगती है ना, तो वो लोग भी इमोशनल हो जाते हैं और मैं भी इमोशनल हो जाती हूँ. दी अदर डे आई वॉज ट्राइंग ब्राइडल ड्रेस, तो मैंने वीडियो कॉल किया ऐसे मम्मी को दिखाने के लिए कि सी दिस इज़ व्हाट आई लाइक और समथिंग, और पता नहीं जैसे ही फ़ोन रखा मैंने मेरा रोना शुरू हो गया. अक्षय डर गया कि नहीं अच्छा लगा तो मत ले, बट इट वॉज माई इमोशंस. आप लोग सब मुझे जानते हो, मैं श्रेनु हूँ, मैं लास्ट में मेरा जो मन करेगा वही पहनने वाली हूँ. पर ऑफकोर्स आप लोग बहुत तहे दिल से इंतज़ार कर रहे हैं मेरे दुल्हन बनने का, तो करते रहिए, आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू. ABP News, आपको रखे आगे.